हम सभी जानते हैं कि सेना के तीन अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। थल सेना और वायुसेना के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन नौसेना के बारे में बहुत कम जानकारी हमारे पास होती है। आखिर नौसेना दुनिया में सबसे पहले किस देश में आई, भारत में कैसे आई? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया। और आज मैं बात करूंगा नौसेना के इतिहास पे, भारत में कब आई, विश्व में कब आई और भारत में आज जो उसका प्रारूप है उसके पीछे की कहानी क्या है। आज हम बात करने वाले हैं उसकी, जिसने जंगे आजादी, मुंबई में ऑपरेशन ताज से लेकर कई अन्य मामलों में अपनी बहादुरी के कारनामों से इतिहास के पन्ने भरे हैं। विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी नौसेना भारतीय नौसेना की, जिसके पास विमान वाहक पोत INS विराट सहित 155 से भी अधिक जहाज हैं और 2000 से अधिक मरीन कमांडो। वैसे तो नौसेना का इतिहास पौराणिक काल से ही माना जाता है, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान रॉयल इंडियन नेवी नाम से सेना के रूप में इसे अपनी असली पहचान मिली। प्राचीन समय में नौसेना किसी जाति या नगर के सशस्त्र लोगों के झुंड के रूप में थी, जो बड़ी बड़ी नौकाओं या जहाजों में समुद्र मार्ग से दूसरे की भूमि पर आक्रमण करती थी। इन्हीं जहाजों से व्यापार, मछली पकड़ना, युद्ध और समुद्री लूटपाट तक की जाती थी। युद्ध के अलावा विशेष प्रकार के जहाजों का निर्माण बहुत कम ही किया जाता था। आधुनिक नौसेना का जन्म स्थान भूमध्य सागरी देश है। क्रीट राजाओं ने इतिहास के शुरुआत से ही समुद्री सेना संगठित कर ली थी, जिसके कारण भूमध्य सागर उनके नियंत्रण में था। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि सरकार द्वारा समर्थित नौसेना सबसे पहले एथेंस में बनी। 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में नौसेना का विकास धीरे धीरे होता रहा। जहाजों को अधिक से अधिक बड़ा बनाने का प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की नौसेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। पहले विश्व युद्ध के बाद करीब 20 सालों तक ब्रिटेन की नौसेना सबसे ताकतवर रही। 20वीं शताब्दी में अनेक देशों ने अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाई, जिसमें जर्मनी, जापान और अमेरिका प्रमुख थे। पांच सितंबर साल 1612 को इंडियन मरीन यानी आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव रखी गई। 1685 में इसका नाम बंबई मरीन रखा गया, जो साल 1830 तक चला। 8 सितंबर 1934 को भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित कर इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी कर दिया। भारत की आज़ादी के बाद साल 1950 में नौसेना का गठन फिर से हुआ और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और मुख्य नौसेना अधिकारी एडमिरल के नियंत्रण में होता है। नौशक्ति का उद्देश्य सैनिक और वाणिज्य की दृष्टि से समुद्री मार्ग का नियंत्रण करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की नौसेना नाम मात्र की ही थी। विभाजन की शर्तों के अनुसार लगभग एक तिहाई सेना पाकिस्तान को चली गई। नेता चंद्र सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के द्वारा छेड़े गए सशस्त्र संघर्ष से प्रेरित होकर रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सदस्यों ने 18 फरवरी साल 1946 को HIMS तलवार नाम के जहाज से जंगे आजादी का ऐलान कर दिया। नौसैनिकों का यह विद्रोह इतना तीव्र था कि जल्द ही यह 78 जहाजों और 20 तटों तक फैल गया। इसमें 20,000 नाविक शामिल हो गए। भारत में नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। देश में नौसैनिक बल की शान एवं उपलब्धियों को दर्शाने के लिए यह मनाया जाता है। इसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में किया जाता है। 3 दिसंबर साल 1971 को भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान सेना के खिलाफ जंग छेड़ चुकी थी, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने भारत के हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र पर हमला किया था। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने कराची नौसेना पर हमला बोल दिया। इसने पाकिस्तान के कई जहाज और कराची बंदरगाह पर भारी बमबारी कर उसे तबाह कर दिया और इस दौरान पाकिस्तान की PNS गाजी पनडुब्बी जल में ही दफन हो गई। अभियान में INS विक्रांत ने खूब वाहवाही बटोरी।
कराची तेल डिपो में लगी आग लगातार 7 दिन तक जलती रही। इसकी लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। इस ऑपरेशन में 3 भारतीय नौसेना पनडुब्बी मिसाइल INS निर्घाट, INS वीर और INS निपत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1961 में नौसेना ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराने में थल सेना की मदद की। भारत की नौसेना देश की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ ही बंदरगाह यात्राओं, संयुक्त अभ्यास, मानवीय मिशन, आपदा राहत जैसे कई तरीकों से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। नौसेना विश्लेषकों की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु संचालित पनडुब्बी मिसाइलें और 1 परमाणु संचालित पनडुब्बी, INS चक्र के साथ 15 पारंपरिक पनडुब्बियां, 2 परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं। भारतीय नौसेना 3 क्षेत्रों की कमान, पश्चिम में मुंबई, पूर्व में विशाखापट्टनम और दक्षिण में कोच्चि के तहत तैनात की गई हैं, जिसमें से प्रत्येक का नियंत्रण एक फ्लैग अधिकारी के द्वारा किया जाता है। सत्रहवीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना के पिता के रूप में माना जाता है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बी के डिजाइन बड़े पैमाने पर रूस से प्रभावित हैं। केरल में एजिमाला नौसेना अकादमी एशिया में सबसे बड़ी नौसेना अकादमी है। भारतीय नौसेना जहाज INS विराट पहला विमानवाहक पोत था। नौसेना पर आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए, ताकि दूसरे लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं वो कुछ ज़्यादा जान पाए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाएँ।